नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. सुरुवातीला पाहणार आहोत मुख्य बातम्या. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मते ऑटिझम हा जेनेटिक डिसऑर्डरचा प्रकार असून याचा चांगला आणि वेळेवर उपचार होणं अत्यावश्यक आहे. मुलांना जन्मताच काही महिन्यांनी येत असलेला दृष्टीला उशीर लागणं, मुलांसमोर करता आलेल्या इशाऱ्यांचा मुलांकडून प्रतिसाद न येणं यासारखे लक्षण हे ऑटिझमचा प्रकार असल्याचं डॉक्टरांचं मत आहे. देशात 30 लाख मुलं या आजाराने ग्रासित असल्याचं धक्कादायक वास्तव पुढं आलं आहे. विशेष म्हणजे प्रत्येक 40 पैकी एक विद्यार्थी हा ऑटिझमचा शिकार असल्याचं तज्ज्ञ डॉक्टरांचं मत आहे. त्यामुळं जन्मलेल्या बालकांमध्ये या आजारांचं लक्षण ओळखून त्यांना वेळीच डॉक्टरांकडे नेल्यास या आजाराची तीव्रता कमी केली जाऊ शकते किंवा या आजाराच्या विळख्यातून मुलांना बाहेर काढलं जाऊ शकते. ऑटिज्म का प्रमाण बहुत बढ़ गया है. इस समय जो 22-23 में जो डेटा आया था उसके हिसाब से 1 in 40 किड्स आर अफेक्टेड विथ ऑटिज्म. ये इंडिया में भी है. पहले ये डेटा बाहर का आया था बट अभी इंडियन डेटा में भी 1:40 या 1:60 का रेशियो है. मतलब हर क्लास में कम एक बच्चा आपको दिख जाएगा जिसको ये तकलीफ है. इम्प्रूवमेंट का प्रमाण अगर बच्चा माइल्ड ऑन ऑटिज्म है या फिर कम प्रमाण में ऑटिज्म है और बुद्धि अच्छी है बच्चे की, मतलब IQ अच्छा है. बच्चा अगर 1.5 से 2 साल प्रॉपर इंटरवेंशन, स्पेशली अर्ली इंटरवेंशन ABA के साथ में और दूसरे चीज़ें एड ऑन के साथ में अगर लेता है, 2 साल में उसको बाहर निकाल सकते हैं. सिवियर ऑटिज्म और IQ अगर कम है तो बाहर निकालना मुश्किल है बट इंडिपेंडेंट डेफिनेटली कर सकते हैं. ऑटिझम आजारानं ग्रासित मुलांच्या आरोग्यासाठी आणि त्याच्या उत्तम आणि आधुनिक उपचारासाठी शहराच्या धंतोली परिसरात बटरफ्लाय लर्निंगची सुरुवात करण्यात आली आहे. या सेंटरमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची चमू या मुलांचे लक्षण ओळखून त्यांच्यावर निर्णायक असा उपचार करून त्यांच्या आयुष्यात आनंद भरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सो फर्स्ट थिंग, कितना वेट करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, 1 साल का बच्चा बहुत कम बोलता है, 1.5 साल का बच्चा थोड़ा बहुत बोलने लगता है, अपनी बात बताने लगता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से. मतलब उसको कुछ चाहिए तो वो इशारा कर देगा, राइट, या आपको वहाँ ले जाएगा, ऐसा कुछ करेगा. लेकिन 2 साल के ऊपर बच्चे काफ़ी कुछ फ्रेजेस बोलने लगते हैं, मुझे ये दे दे, मुझे बाहर जाना है, छोटा छोटा बोलने लगते हैं. हम बहुत वेट नहीं कर सकते, हम 2 साल से ऊपर या 3 साल से ऊपर वेट नहीं कर सकते कि नहीं नहीं और बोलेगा तो क्या होगा. उसमें हम देर से डायग्नोज करेंगे तो ट्रीटमेंट भी डिले हो जाएगा इन बच्चे का. तो अगर बच्चा 2 साल तक वर्ड्स नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, अपनी बात समझा नहीं पा रहा है, तो उससे ऊपर हमें वेट नहीं करना चाहिए. कैमरामैन प्रवीण सह सनी भोंगाडे, शंखनाद न्यूज, नागपुर.